बड़ बार प्रॉब्लम वा तिंद अत दु मे थोड़ा शुरुआत कर मे वा तिंद लग भग रोपये लास्ट खंड तो अब गो कर शुरुआत वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त फैज़ अमान। इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद करते हैं दोस्तों। इस वक्त हम पहुंचे हैं पुराना हाल और पुराना हाल की गुजर बस्ती का जो रास्ता है वहां पे हम मौजूद हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज से तकरीबन एक साल पहले हमने एक स्टोरी इस पेज के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि ये जो गुजर बस्ती पुराना हाल है इनको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर विंटर और समर में। लेकिन बाद में जो ज़िला इंतज़ामिया है वो होश में आई, ज़िला इंतज़ामिया जो है उन्होंने कार्रवाई की है और इनके लिए एक रोड जो है MG नरेगा के तहत वो इनको फराहम करने की कोशिश की है। और आज यहाँ पे ACD कुलगाम इमरान खान साहब आ रहे हैं और ये जो गुजर बस्ती के जो यहाँ पे जो बस्ती के कुछ ज़ीज़त शहरी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? नूरुद्दीन खटाना। नूरुद्दीन साहब, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए क्या मसले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें दिक्कत है रोड की, दिक्कत है हमें रोड की, हमें रोड नहीं है। इसी बारे में हम हर समय जाते हैं, फरियाद करते हैं, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनता था आज तक। आज हमें ACD साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, हम उनसे फरियाद करेंगे कि हमें रोड चाहिए। और हम शुक्रगुजार हैं अपने जो यहाँ सरपंच है उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। किस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रगुजार इस पे आगे हमारे कामों में हेल्प करते हैं। अच्छा। गरीब गुरबा की सुनते हैं। शुरुआत हो यहाँ। अच्छा। हमें रोड जानी चाहिए बस्ती तक। बेशक दोस्तों, इनकी आवाज़ में एक दर्द है और यही कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सरपंच है वो एक लड़ी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ किया है उन्होंने इस बस्ती के लिए। वालेकुम सलाम। मैं बोलते हैं वो यहाँ से कात करा गया रोड हिसाब करो से बाकी चीज़ वाली मुश्किल चीन गए बुको बस्ती मे वाली प्रॉब्लम आई थोड़ा बहुत मनो तुम कूचा हेकू तुम हल कर पूरे गई ना वही गुजर बस्ती प्रॉब्लम है सारी हल कह क्या उतर बची तमिस प्रेगनेटी हूँ सह गई प्रॉब्लम तमिस गो बचे गो तमिस लास्ट इन बड़ बार प्रॉब्लम वा तिंद अत दु मे थोड़ा शुरुआत कर मे वा तिंद लग भग रोपये लास्ट खंड तो अब गो कर शुरुआत वो कोतान रोजी यह मसला हल वे दोम मदद गोस मे ACD साहब DC साहब ये मदद कर बोड़ बार क्या बस्ती इन कुछ वो बिचार कहन इन आज बसान कि गुजर बस्ती मे अरपंच लड़ी जहाँ हे सोन मसला हल कर वह पे तरफ रिक्वेस्ट कर ACD साहब DC साहब कि तुम दी तुम ये मे खास तवजु यह गुजर बस्ती वत बाकी फंड रोप लक्ष MG नरेगा मे तुम कैपेक्स रोप लक्ष्य कैपेक्स पान ACD पे मतलब सरपंच तथा थो मे प्रेजेंट इन लक्ष मगर पूर गो क्लियर अत मे लगे लग भग पांच ठ लक्ष रोप लगे तोतान सही प्रॉब्लम सही मुश्किल मे हल ग बिल्कुल सही प्रॉब्लम सोन प्रॉब्लम यह गल ग यहाँ वन यहाँ पे जो है सरपंच का यही कहना है कि हमने शुरुआत की है। अब सरपंच ने ये कहा है कि ताली जो है दो हाथों से बजती है और इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरीके से भरपूर कोशिश कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ACD कुलगाम और खासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट साहब इस मामले में मेरा साथ देंगे और इनकी जो ये रोड प्रॉब्लम है यह हाल हो सके, तो रास्ते की जो दिक्कत इनको दरपेश आती है यह हाल हो सके। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस साल यानी 2022 के आखिर तक इनको एक मियारी रास्ता मिल सकता है। नाजरीन, अगर आपके इलाके में भी इस तरह का कोई मसला है और अगर आप चाहते हैं कि वो अरबाब इकदार तक पहुँचे तो हमसे राबता कीजिएगा, हम ज़रूर आपकी दहलीज पर आएँगे और आपकी मदद फरमाएँगे। इस वक्त अपने होश और दोस्त फैज़ अमान भट्ट को इरफान शबीर के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।